हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। मैं आपका जेके प्रजापति, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे गए पादप कोशिका का नामांकन चित्र, जो आपके 9th क्लास और 11th क्लास में दिया हुआ है। ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे गए साफ सुथरे नामांकन चित्र बनाइए। कभी प्लांट का आता है, कभी एनिमल्स का आता है। तो ये आपको जो देख रहे हैं डायग्राम, ये डायग्राम है पादप कोशिका का। तो आइए देखते हैं पादप कोशिका में ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये पादप कोशिका का है। तो सबसे पहले पादप कोशिका आता है यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत प्लांट सेल और एनिमल सेल आता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये पुराने सेल हैं जिसमें अक्सर मोस्टली सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह सब जो है, ठीक है। ये जानकारी में साइनोबैक्टीरिया हुआ, ये सब जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो देख रहे हैं रेड कलर में आप, इसको हम बोलते हैं ये है कोशिका भित्ति, ये है सेल वॉल। ये सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी होती है, ये कोशिका की रक्षा करती है ना, प्रोटेक्ट करती है, ये आकार प्रदान करती है, फिक्स शेप करती है। ये कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में ही मिलती है, ठीक है, सिर्फ पेड़ पौधों में ही मिलती है। ये प्लांट कोशिका का है और इसीलिए सेल वॉल यहां पर मिला, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रेड कलर में देखने चारों तरफ ये क्या है, सेल वॉल। उसके बाद ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, उसके बाद का लेयर जो है ये है मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये भी लेयर है, दूसरी लेयर है जो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। उसके बाद एक ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये जो है इसको बोलते हैं है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। अब आपस में तीन हो गई। उसके बाद ये तो हो गया बाहरी परत, बाहरी भाग, सेल का बाहरी भाग है ना, जो बाहरी पार्ट है उसके। अब इसके अंदर जो कोशिकांग होंगे वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कोशिकांग किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है सेल है, सेल के अंदर क्या है, अब है कोशिका। हम द्रव की बात करेंगे, ये इसे बेसिक रूप में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये सेल है और सेल में क्या हुआ, एक माने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली से यहाँ हो गई, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक हो गया, केंद्रक अंदर है, केंद्रक द्रव है। और उसके बाद ये कोशिका भित्ति है ना, कोशिका झिल्ली आसपास में और यहाँ पे केंद्र, ये दोनों के बीच में जो लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड होता है ना, द्रव, लिक्विड फॉर्म, ये इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव, अर्थात हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कोशिश करिएगा इसको समझने का, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये है अर्थात ये लेयर और ये जो केंद्रक है, ये दोनों बीच में क्या होगा, कोशिका द्रव। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हुआ केंद्रक, और उस केंद्रक ये यहां से केंद्रक हुआ, उसके अंदर द्रव है तो केंद्रक द्रव हो गया, केंद्रक द्रव हो गया, ठीक है। अब केंद्रक द्रव और ये कोशिका द्रव, इसी कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग जो हैं डूबे हुए तो रहते हैं, बिखरे हुए, देख लीजिए जितने सारे कोशिकांग ये देख रहे हैं फिगर, ये सारे कोशिकांग हैं, मींस कोशिका के अंग हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहां माइटोकॉन्ड्रिया, यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पे क्या आपको है, ये देखिए क्या है, यहां पर ये गोल्जी बॉडी है, उसी तरह से है ना आपको राइबोसोम मिलेगा, इंडोपार्टिकुलम मिलेगा, है ना, सारे चीज में कोशिका बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक द्रव अंदर हुआ, ये हुआ कोशिका द्रव। अच्छा, दोनों जब कोशिका भित्ति के बाद जितने भी द्रव संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात कोशिका भित्ति के बाद ये लिक्विड फॉर्म हो चाहे केंद्रक वाला हो, सबको मिला दीजिए, अर्थात दोनों मिला दीजिए, इसको बोलेंगे जीव द्रव। क्या बोलेंगे इसको, जीव द्रव, अर्थात क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। जब मैं इसका क्लासिफिकेशन करूंगा है ना, तो आपको मालूम चलेगी कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने क्या क्या आते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, उसका सारा एक चार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये जो है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अंतर्गत इसका मतलब गया निक्लोप्लाज्म हो गया और साथ में साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये निक्लोप्लाज्म होती है, ठीक है, जो यहाँ पे है अंदर में, ठीक है, ये डॉट डॉट। तो चलिए ये बेसिक चीजें आप लोगों को देख लिया होगा। अब मैं आपको इसी जानकारी में यहाँ देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, इसको हम कह दिए चलिए साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है।
अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या डूबा हुआ रहता है, तो चलिए एक चीज भी होता है, ये है वैक्यूल, ये क्या है वैक्यूल है, जिसको कहते हैं रसधानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको रसधानी बोलते हैं। अब यहां पे वैक्यूल है भाई, और ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम सूत्रकणिका बोलते हैं, ये क्या करता है, ये कोशिका का है ना ऊर्जा हाउस है, पावर हाउस कह सकते हैं ना, ऊर्जा गृह इसको बोलते हैं, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इलेवेंथ में इसकी चर्चा होती है, तो आप निश्चित रूप से जानिए इसमें कुछ स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कोशिका ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग कमेंट्स के द्वारा जरूर बताने की कोशिश करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा कि आपका सही है या गलत है, सही उत्तर क्या हुआ। हमें ये बताने की कोशिश आप लोग करें कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी जो एक नए संतति का जन्म होता है, मानव की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे प्लांट कोशिका ये है, तो प्लांट कोशिका की बात मैंने करके भी है, एनिमल कोशिका के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया वहां भी मिलता है। एक सवाल मैं इसका नाम आया, तो मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूं, आप लोग जरूर बताने की कोशिश करें कि बच्चों में जो नए संतति का जन्म होता है मानव में, वो मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया या पापा का माइटोकॉन्ड्रिया, किसका माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में जाता है, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, दोनों का या मम्मी का या पापा का या दोनों का, तो किसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस है, ठीक है, ये तो पता है, ये मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि किसका माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और इसी के वजह से रेस्पिरेशन क्रिया जब होती है ना, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना हेल्प करके ग्लूकोज और ऑक्सीकरण अभिक्रिया ना, ऑक्सीकरण जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाके क्या होता है, एक 38 एटीपी, कभी 36 कभी 38 एटीपी का निर्माण करती है इस माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये इसीलिए इसको, क्योंकि 38 एटीपी ऊर्जा बनाती है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन अगर अब्सेंट रहेगी तो भी करेगी है ना, लेकिन वहां पर ऊर्जा मात्र 2 बनेगा, ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ऑक्सीजन करने के बाद, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन तो जानकारी दे दिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हूं, इसकी क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बताने की मुझे कोशिश है ना, बताने की कोशिश करेंगे कमेंट्स द्वारा, जैसे बताएं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब बात करें ये जो है इसको देख रहे हैं, ये जो जालिका है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जाल नेट बोलते हैं इसको। अब क्रोमेटिन जाल में क्या होता है, गोल 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 क्या है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शेर एक होता है रेर, तो चलिए शेर और रेर क्या है, मैं इधर लिखता हूं रेर, आर ई आर रेर, तो क्या इसको बोलेंगे, रफ रफ, इस क्या हुआ यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम अर्थात क्या हो गया, खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका, खुरदुरी अंदर अंतर्द्रव जालिका अर्थात किसी के मुंह में गोटी 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 जो दाग होता है उसकी बात हो रही है ना, आप इसको देखिए स्मूथ है और नीचे में खुरदरा टाइप का है ना, आप चिकना इसको बोल सकते हैं चिकना, ठीक है, यहां देखिए, यह देखिए चिकना है यहां पर, ठीक है, ये भी क्या है, क्रोमेटिन जाल यहां भी है, क्रोमेटिन जाल यहां भी है, कहीं पे क्या होता है राइबोसोम खुरदरे टाइप का होता है, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं, शॉर्ट में रेड बोलते हैं, और ये जो है इधर वाला भाग है इसमें कोई गोल 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 संरचना राइबोसोम नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तरह की अगर मिलेगी तो वो चिकना टाइप का रहेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे शेर अर्थात स्मूथ स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अभी हो गई। अब माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां भी है, ये देखिए वैक्यूल्स यहां भी है, वैक्यूल्स यहां भी है। अब ये बात आई है कि ये क्या है, ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, आप बताइए ये सारे इतने सारे, उसके बाद ये जो अंदर है ये केंद्रक है, इसकी बात करते हैं न्यूक्लियस है, ये क्या है, चलो मैं यहां लेता हूं, ये जो यहां से भाग देखे जहां पर क्रोमेटिन जाल लगा हुआ है उसकी बात करें, ये जो भाग है ना इसको कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही हो गया, और ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म,
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारे इतना सारा अगर नाम दर्शा देते हैं तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। और ये भारी नहीं है, आप इसे बड़े ना लें, ना समझें, 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप डील कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी 9th देखने वाले बच्चे, 9th क्लास के हो या 11th क्लास के बच्चे हो, निश्चित रूप से अभ्यास इसको करें। और अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन में आए तो निश्चित रूप से आप इसे बना के अंक प्राप्त करें, ठीक है। इस वीडियो में मैं आज आपको इतना ही बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कोशिका से संबंधित कुछ नए टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक अभ्यास करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।